आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड। ठीक है, हमसे पूछा गया कि कौन सा बॉन्डिंग हमारा वीकेस्ट होता है इन सॉलिड्स में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है आयोनिक, मेटेलिक, वेंडरवाल्स या फिर कोवलेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हमारा एक दूसरे को अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग की वजह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा शेयरिंग की वजह से बनता है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की वजह से बनता है, तो ये हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और मेटेलिक और वेंडरवाल की अगर बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स के बीच में बनता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू वेंडरवाल्स बॉन्ड। ठीक है, वेंडरवाल्स बॉन्ड जो होता है वो हमारा डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बनता है। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है उसी को हम वेंडरवाल्स बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ये वेंडरवाल है ये हमारा सबसे कम सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है आउट ऑफ द फोर। ठीक है, तो वेंडरवाल की जो बॉन्डिंग होती है, मतलब कि वेंडरवाल का जो बॉन्डिंग होता है वो सॉलिड में सबसे वीक होता है। ठीक है, मतलब कि इन चारों में से सबसे वीक होता है, तो वेंडरवाल की बॉन्डिंग सबसे वीक, उसके बाद हमारा मेटेलिक बॉन्ड, और उसके बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद फिर हमारा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है यहाँ पे हमारा वेंडरवाल है। ठीक है, वेंडरवाल का बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीकेस्ट होता है, क्योंकि ये डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, बाकी जो तीनों बॉन्ड्स है वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की इंटरेक्शन की वजह से बनता है, मेटेलिक बॉन्ड भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन्स की वजह के इंटरेक्शन से बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे वेंडरवाल्स बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वेंडरवाल बॉन्ड हमारा सबसे वीक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।